में हम लोग देखेंगे, हम लोग बात किए थे ना पिछले पार्ट में, डिग्री बेस्ड पे देखेंगे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डिग्री दैट मीन्स पावर, पावर ही डिग्री होता है। तो ये जो डिग्री मैंने लिखा है यहाँ पे, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे डिग्री, तो डिग्री क्या है, ये पावर है पॉलिनोमियल्स का, पावर। ठीक है, तो पावर किसका, नंबर का? नो, पावर नंबर का नहीं होगा, पावर होगा वेरिएबल्स का। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान में रखना है ना, इसमें जितना सा है ना, सब में सिंगल वेरिएबल नहीं रहेगा, और वेरिएबल का पावर देखना है। तो डिग्री होता है मैक्सिमम पावर, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। एक पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को देखना है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल जो होगा ना, उसका मैक्सिमम पावर को देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन हो, मतलब वेरिएबल का पावर वन हो, वेरिएबल का पावर कुछ रहेगा ही नहीं, जीरो तो रहना ही नहीं चाहिए, जीरो रहेगा तो पावर कुछ रहा ही नहीं, अगर जीरो हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा, वैल्यू तो वन हो जाएगा ना, तो वेरिएबल वहां से हाइड हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वहां से डिसअपियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना है क्या, मैक्सिमम पावर वन होना चाहिए। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, डिग्री क्या होना चाहिए, वन, मतलब पॉलिनोमियल जो रहेगा वेरिएबल रहेगा उसका पावर वन होना चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे, फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्म क्या क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, मतलब इसी बेस पे होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए फॉर्म क्या, फॉर्मूला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए, क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। अगर इस फॉर्मूला पे सेट होगा, इस फॉर्मूला पे अगर कोई पॉलिनोमियल सेट है, तो समझ लेना कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, कैसे देखेंगे, यहां पे ए और बी क्या है, एक्स क्या है, देख लेते हैं, लिखा हुआ वेयर ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, मतलब ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। ओके, बट एक्स क्या है, एक्स इज अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है। ओके, तो ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म पर होना चाहिए, ए और बी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, एक्स केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। यहां देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, टू और फाइव, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ये ए है और ये क्या है, बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, तो ए एक्स प्लस बी इस पे सेट कर रहा, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे भी देखो वेरिएबल का पावर कितना है, कुछ नहीं है पावर, मतलब एक है, कुछ पावर नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स पावर वन है, तो डिग्री इसका वन हो गया, तो टू एक्स प्लस फाइव ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर भी देखो एक्स माइनस टू, फर्क नहीं पड़ता है कि प्लस रहे, माइनस भी हो सकता है, अब इसको प्लस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप ना, ऐसे लिख दो ना, एक्स प्लस ब्रैकेट में टू नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, मतलब इस फॉर्म में है ये, है ना, तो एक्स हो गया वेरिएबल, ए क्या है, बोलते सर ए तो कांस्टेंट, ए तो कुछ है ही नहीं, इस फॉर्म में होना चाहिए, ए है यहाँ पे, ए का वैल्यू वन है, ए का वैल्यू क्या है, ये एक्स वन से मल्टीप्लाई है, एक्स क्या है, वन से मल्टीप्लाई है, एक्स वन से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह देखो कि फाइव माइनस एक्स, एक्स इधर दे दिया है और फाइव कॉन्स्टेंट इधर आ गया है, ये भी क्या हो गया, वेरिएबल का पावर वन है, ये भी क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है यहां तक, फिर देखेंगे उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रेट का मतलब होता है पावर टू, जिसमें वेरिएबल का पावर टू हो तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देखते होंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री टू हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री
दो होना चाहिए ना, तो यहाँ फॉर्म लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या होता था ए एक्स प्लस बी, इसमें हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही क्वाड्रेटिक बनाता है ना इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें भी देखो वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है, ए एक्स केवल एक वेरिएबल हो जाएगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स बट एक्स इज अ वेरिएबल, क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल लोगों को क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फाइव, देखो ये ए एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर, देख लो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर x है, x का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। वेरिएबल देखो क्या, वेरिएबल ये है x है, मैक्सिमम पावर 2 है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसी तरह यहां भी देखना है वेरिएबल क्या है, y है, एक ही वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर 2 है, 2 पावर है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सिमिलरली हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल को, क्यूबिक पॉलीनोमियल में क्या देखेंगे, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखते थे ए एक्स स्क्वायर ना, क्यों स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, पावर 2 करना था, हाईएस्ट पावर 2 करना था, इसमें हाईएस्ट पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, हाईएस्ट पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ये सब क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ये सब ये सारे कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे और एक्स केवल एक ही वेरिएबल एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स केवल एक वेरिएबल रहेगा, तो जरूरी नहीं कि एक्स कोई एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक्स के ऊपर वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए बी सी टी हो सकता है, एल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सिंगल ही रहेगा। इसमें एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा 5x³, वेरिएबल क्या है x है ना, मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। यहां पर भी वेरिएबल क्या है y है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसके आगे को मतलब है हाईएस्ट पावर से मतलब है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, मतलब ये भी क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अब पूछोगे सवाल ये बोलते सर ये पॉलीनोमियल तो बता रहा है कि ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया, लेकिन कोई ऐसा कंडीशन है जो कि पॉलीनोमियल नहीं हो, पॉलीनोमियल कौन सा है, कैसे पहले पहचानेंगे सब, कैसे पहले पहचानना तो सीखे ना, लेकिन ये सब बताना भी जरूरी था। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को टर्म्स इज नीड, टर्म्स रिक्वायर्ड टू बी अ पॉलीनोमियल, कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं, कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल होने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के बाद मैं दोनों क्लास को सेपरेट कर दूंगा, क्लास 9th की मैं सेपरेट वीडियो दूंगा और क्लास 10th की सेपरेट वीडियो दूंगा, बस इस वीडियो के बाद, ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना इसके बाद क्लास 9th और क्लास 10th की सेपरेट क्लासेस होंगे, ओके, फिर बने रहिए आप लोग।